नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद, मैं मौजूद हूँ इस समय रीवा के सुपर अस्पताल में। यहाँ पर 30 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। आज जो बीमारी फैली हुई है जिसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र, नाक कान गला विभाग के आप HOD हैं। हम इन्हीं से जानेंगे। तब तक मेरा पहला सवाल, ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या? ब्लैक फंगस इसलिए इनका नाम ब्लैक दिया गया है टिशू को सड़ाते हुए, नेक्रोसिस करते हुए, मारते हुए ब्लैक कर देता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस किया। इसको जाइगो माइकोसिस भी बोलते हैं, पुराना इनको जाइगो माइकोसिस भी बोलते थे। और म्यूकर माइकोसिस, ये ग्रुप ऑफ मोल्ड्स है, मतलब ये फंगस का समूह है जिसको म्यूकर माइसेटिस फंगस बोला जाता है। म्यूकर माइसेटिस माइसेटिस फंगस उसका ये ग्रुप है, वो ग्रुप बढ़ते जाता है टिशू के अंदर और टिशू को ब्लैक करते जाता है। इसके लक्षण, प्रारंभिक लक्षण क्या रहते हैं? प्रारंभिक लक्षण जैसे मरीज हमारे पास आएगा तो फेस में एक तरफ स्वेलिंग, आँख में सूजन, आँख में जलन, आँख में लालपन होना, और नाक में क्या लक्षण मिलेंगे आपको, नाक में सर्दी हो सकती है और विशेषकर नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी आएगा वो ब्लैक कलर का हो सकता है या खून आ सकता है उसमें, ये नाक बंद भी हो सकता है, बंद हो सकता है। एक बड़ा सवाल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने 30 बेड का अस्पताल बना, अस्पताल के अंदर 30 बेड आरक्षित कर लिए, जिसमें 8 बेड आपने कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के लिए रखे, 22 बेड आपने जनरल पेशेंट के लिए रखे। अब वहाँ पर किस तरीके की तैयारी, हालांकि 3 मौतों की भी जानकारी आई है, तो किस तरीके के पेशेंट वहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं और कैसा क्या पूरे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए डॉक्टर। अभी तो हमारे जनरल वार्ड में 3 मरीज हैं और कोविड वार्ड में 8 मरीज हैं, तो अभी तक तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कोविड के कारण ये मरीज बढ़ रहे हैं और अपन देखते हैं कोविड संभालने में इसी की जा सकती है। क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से आपने इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ की है? आते ही उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसको एंटी फंगल कहा जाता है, एंटी फंगल जैसे हमको लगता है कि संभावित मरीज मुकलना का मरीज है और लक्षण दिख रहे हैं हमें, तो एपोक्रेसिन भी जो इंजेक्शन है वो हम चालू कर रहे हैं। और जिनको थोड़ा रिएक्शन हो रहा है, हाइपर सेंसिटिव है, तो उसका कोना जल करके एक टैबलेट आता है जिसको रिलीव दिया जाता है, उसको भी एडवाइस कर रहे हैं। बाकी यदि उनको ब्लैक फंगस है तो बाद में हम अगर ऑपरेशन के लिए लेना चाह रहे हैं तो उनकी नेजल एंडोस्कोपी करेंगे। नेजल एंडोस्कोपी करने के बाद अगर उसमें ब्लैक फंगस का कुछ ऐसा मिलता है, फीचर्स मिलते हैं, तो हम उनको डिब्राइडमेंट करेंगे, उसको डिब्राइडमेंट कहा जाता है। डिब्राइडमेंट की सर्जरी सेंट्रल डिब्राइडमेंट, तो हम जो ब्लैक फीचर उसको निकालते हैं एंडोस्कोपी के सहारे। एक बड़ा सवाल ये होता है, जैसे कोरोना काल चल रहा है, ये बीमारी बहुत अरसे से है लेकिन इसी दौरान ज़्यादा उभर कर आई है, तो इस बीमारी को, कोरोना को और ब्लैक फंगस को किस तरीके से आप लोग जोड़ रहे हैं और इस पर किस तरीके की रिसर्च की तैयारी चल रही है? या इसमें ये तो सही है कि ब्लैक फंगस पहले देखने को नहीं मिल रहा था, जैसे सेकेंड वेव आया है, वेव आया है 2019 का, उसके बाद ये इस पर संख्या बढ़ते जा रही, हर शहर में बढ़ती जा रही, प्रत्येक शहर में, तो कहीं ना कहीं 2019 के कारण लोगों का इम्यूनिटी कमज़ोर हुआ है। और 2019 में और स्टेरॉइड दवाई भी चली है, तो स्टेरॉइड के कारण इम्यूनिटी और कमज़ोर होती है और वायरस के कारण आयुर्वेदिक पहले से कमज़ोर है, और जो डायबिटिक है, जो बहुत सालों से डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं उनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये सब मिला के कहीं ना कहीं अहम रोल अदा कर रहे हैं। तब तमाम तरीके की जानकारी आपने दी। एक बड़ा सवाल ये भी है, तमाम दर्शकों को या जिनको जिस तरीके से कोरोना हुआ उसके बाद उनको लग रहा ब्लैक फंगस हो जाएगा, तो अस्पताल में, जबकि प्रदेश शासन ने भी 5 अस्पतालों में रीवा के अस्पताल को भी चुना है, तो अस्पताल में आपने किस तरीके की तैयारियां कर रखी हैं? यदि हमारे पास वो आते हैं, पूछने आते हैं, ओपीडी में आते हैं, तो डॉक्टर हमारी ये सलाह देते हैं कि घबराइए, सबको ब्लैक फंगस नहीं होगा, डॉक्टर को आप जैसे डॉक्टर बताएंगे डॉक्टर चिंतित कर लेंगे, और हर मरीज को CT स्कैन MRI ये सब कराने की जरूरत नहीं है, कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पैसा काफ़ी लगता है,
यदि लगता है डॉक्टर को किसी को कराया जाएगा, उसमें लक्षण है या कंफर्म हो रहा है कि उनको निकलना मरीज है, तभी कराएंगे। तो मेरे दर्शकों से यही निवेदन है या सलाह है कि वो घबराएं। ब्लैक फंगस हर जगह मौजूद है, जैसे हम बरसात में ब्रेड का टुकड़ा छोड़ देते हैं और सुबह देखते हैं इसमें काला काला आ जाता है, वो ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस पूरे इसमें इन्वायरमेंट में है, चारों दिशा में है, लेकिन कब होता है? जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर। तो बस कोविड 19 से बचाव करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और इस तरह से अपन ब्लैक फंगस से बच जाएंगे। ब्लैक फंगस से बच पाएंगे, ये बहुत पुरानी बीमारी है, हालांकि उभरी इस समय है। अब जिस तरीके से यहाँ पर रीवा के सुपर अस्पताल में तैयारी की गई है, उसको देखकर लगता है यहाँ के डॉक्टर भी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम इस बीमारी से जल्द विजय पाने की कोशिश करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।